नमस्कार, glitz.in में आपका स्वागत है। आदिवासियों के वन भूमि को लेकर कुछ मांग को क्या कांग्रेस अपने चुनावी गणित में शामिल करेगी, और 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभाग जीत पाएगी। जिले में कुछ आदिवासी समुदाय वन भूमि को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। वन भूमि का पट्टा वितरण को लेकर आदिवासी समुदाय ने एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बहुत से आदिवासियों ने पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की है। इसके अलावा जिन्हें पट्टा मिले है उनके अधिकारी को सीमित रखा गया है। अगर राज्य शासन को जनहित में भूमि अधिग्रहण करना पड़ा तो पट्टा धारक को मुआवजे की राशि नहीं दी जाएगी। आदिवासियों ने राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पट्टा धारकों का नाम अंकित करने और उन्हें भूस्वामी का दर्जा देने की मांग की है। वहीं बलरामपुर जिले के वाड्रफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस आदिवासी समुदाय का समर्थन करते हुए इस मुद्दे को प्रदेश व्यापी बनाने की तैयारी में है और इस मुद्दे को अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक ले जाने की बात कर रहे हैं, ताकि यह मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो सके। ये धरना प्रदर्शन है जो आदिवासियों को जो वन अधिकार के तहत पट्टा मिला है, 2005 से पहले जो कब्जाधारी थे वन भूमि पर, उसके संबंध में शासन से मांग को लेकर के है कि बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी कब्जाधारी हैं, उनको पट्टा नहीं मिला है, उसका मांग है। दूसरा ये है कि जो पट्टा मिला है उसमें अधिकारों को सीमित रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि उस जमीन को अगर कोई शासन अधिग्रहित करता है तो आदिवासियों को उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका भी मांग है कि हमें जो पट्टा आपने दिया है, यदि हमारी ज़मीन को शासन लेती है, सार्वजनिक हित में लेती है या खदान खुलता है, तो उसके एवज में हमें मुआवजा भी दिया जाए। तीसरा ये मांग था कि इस ज़मीन को जो है हमारे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाए, जिस और हमें भूमि स्वामी घोषित किया जाए। अभी ये पट्टाधारियों को सिर्फ कमाने का अधिकार दिया है, उसमें भूमि स्वामी अधिकार नहीं दिया है। ये प्रमुख तीन मांग है। इसी मांग को लेकर के सर्व आदिवासी समाज की ओर से ये बैठक आयोजन था, जिसका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। For more information, log on to www.glitz.in.